तो गाइस अब हम आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पे और ये हमारी लोकेशन है तालाब। और एक थोड़ी छोटी सी लोकेशन और है हमारी आगे, लेकिन फिलहाल हमें ये लोकेशन अभी अच्छी लग गई है तो एक बार इस पे विजिट कर रहे हैं हम कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बगला पक्षी, देखो बतख उड़ रही है वहाँ पे, वो देखिए बतख उड़ रही है। दैट वॉज नाइस सीन। ये देखो इसको शायद क्रेन बोला जाता है, हिंदी बोल भाई, यहाँ पे देसी आदमी ज्यादा है। ये देखो एक पैर पे खड़े हैं बगुला, सॉरी सांप। अभी सबसे पहले देखेंगे ना तो भाई बोलेंगे तो है यार कि यार चीज अच्छी से लग की है। गाइस देख सकते हैं आप, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। माइग्रेट माइग्रेशन पक्षी है ये माइग्रेट करते हैं हर जगह पे। हाँ मछली है और क्या, तभी तो बैठे यहाँ पे। मछली पालन नहीं तो नहीं बनाया, नहीं नहीं नहीं, किसी ने पहले टाइम पे बनाया होगा, पानी को स्टोर किया होगा। देखो देखो बतख तैर रही है, लाइन बनाती आ रही है। ये देखो देखा था वो बच्चा रह गया ना इसका, बतख का बतख कौन उड़ गया, वो मियां भी भग गए। देखो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने एक नई जगह पर जा रहे थे तो बीच में हमें ये लोकेशन दिखाई दिया, को हम आपको दिखाने के लिए रुक गए हैं। जैसा कि सौरभ बता रहे थे और शैलेंद्र जी लगे हुए हैं बायनोकुलर से देखने के लिए, नज़दीक से नज़दीक इसका देखने का मज़ा ही कुछ और है। अभी इनको डिस्टर्ब कर दिया शायद, ये उड़ने लगे हैं, जाने लगे हैं यहाँ से। हम कोशिश करते हैं कि किसी को डिस्टर्ब ना कर। अच्छा उस साइड से भी कोई बंदा आ रहा है जिस वजह से ये उड़ गए हैं। देखिए यहाँ पर जानवर भी पाए जाते हैं, लेकिन इतने हैवी जानवर नहीं है जो कि जिनसे डर लगे। हाइनाज है, हम लोग हिंदी में लगड़ बग्गा बोलते हैं। तुम यहाँ पे भी पीछे पीछे आ गए हो। हेलो गाइस, अभी नए लोकेशन पर जा रहे हैं हम लोग। ये जंगल है और जंगल में जैसे कि आप जानते हैं अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाइनाज और सियार जो कि यहाँ के लोकल जानवर हैं एक तरह के, ये समझ लीजिए आप, वो हमें हर जगह मिल जाते हैं। लोकेशन देखते रहना, नज़दीक पहुँच गए हो तो ठीक है। दोस्तों आगे भी देखते हैं, मिलते हैं। ये शैलेंद्र दौड़ते हुए अपनी फिटनेस का एग्जांपल देते हुए, कुछ है नीचे ऊपर, बट बहुत प्यारी लोकेशन है वो। सी तो नहीं होगी, अरे ये तालाब है यार, यहाँ पर नहीं है। हाँ घूम के जाना पड़ेगा, ऊपर है वो, वही मैं बोल रहा हूँ। आप लोग बोल रहे लोकेशन है, लेकिन वो लोकेशन ऊपर की ओर है। चढ़ जाओ बस ऊपर ही ऐसे यहीं से। ये देखो ये दोस्तों हमारी रानी वो खड़ी है वहां पे जाके। चलो आगे चलते हैं, अभी इस लोकेशन अभी बहुत पीछे है। उनमें एयर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भैया किसी को भी कोई नुकसान ना हो और डर बना रहे थोड़ा बहुत जानवरों को, बाकी कोई दिक्कत ना हो किसी को। दोस्तों सामने है लोकेशन, काफी देर से वॉक करते चले जा रहे हैं, पता नहीं कितना मीटर अंदर है, नहीं 1 किलोमीटर के लमसम होगा, वो 80 दिखा रहा ना।
आई थिंक वो 800 मीटर की दूरी होगी उसमें। चलो चलते हैं फिर देखते हैं। वही तो खाना पीना वही बना लेंगे गाड़ी के पास, क्योंकि गाइस यहाँ तक सामान लाना बहुत मुश्किल खेल है। और क्या, और वो भी लोकेशन अच्छा, उस पहाड़ी जो तालाब था ना, तालाब के पास में बैठकर आराम से बनाएंगे। ये दोनों पहाड़ों के बीच में है वो लोकेशन। ये देखो सौरभ जी बहुत पीछे रह रहे हैं, धीरे धीरे फिर नीचे उतरोगे। ये देखिए शैलेंद्र जी भी पीछे पीछे आ रहे हैं। मोबाइल का इस्तेमाल कम करो भैया, नहीं गिर जाओगे। आगे देखो, आगे देखो। इनमें सबसे हैवी आदमी मैं ही हूँ लेकिन सबसे आगे हूँ भाई। आज बड़ा फील हो रहा है भाई मेरे को, अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ भाई, मैं सही जगह हूँ। वो देखो वो रहा भाई, यही सही पॉइंट है, वही है। अभी खुशी का ठिकाना नहीं है, सामने ही है पॉइंट। ये देखो, ये देख रहे हो ये रास्ता है, लेकिन ये बाइक्स वगैरह के लिए है, कार वगैरह के लिए नहीं है। देख रहे हो सुरेंद्र, नहीं ये पानी का, पहले के समय में पानी का कटाव होता होगा, तो वो पानी का वो है, पूरा पूरा पानी का ही सिस्टम फ्लो होता होगा यहाँ पे। तो अब क्या है, पानी इतना तो है नहीं है, धीरे धीरे इतना क्या है ही नहीं है। हाँ पानी तो अब है, खत्म ही हो गया ना, पानी बरसने बंद हो गए, तो वो वहीं जाके तालाब इसीलिए बना हुआ है जगह जगह। ये देखो भाई, देखो ईगल, कहाँ ईगल, कहाँ खरगोश, ऊपर ऊपर भाग गया। अबे अभी वो दूर भाग गया, भाग गया। ये जंगल है यार, खरगोश जंगल। ये देखो, देखो कितनी सुंदर था, अरे पानी भरा हुआ है, पानी पत्थरों से निकल रहा है, आवाज गूंज रही है। देखते हैं यारो, हैं हाँ वो पटिया। दोस्तों हम लोग अपनी लोकेशन में आ गए हैं। अब देखिए, जिस किसी को इस लोकेशन का लोकेशन चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब पर कमेंट्स करें और अपना मोबाइल नंबर भेज दें, हम आपको लोकेशन सेंड करेंगे। और ग्वालियर के नज़दीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है और सुरक्षित एरिया है, आप जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्रकृति की देन। पहले के लोगों ने कितनी मेहनत की होगी इसको काट के बनाने में, वही तो। कोई टेंट की जरूरत नहीं है, कोई कुछ की जरूरत नहीं है, लेकिन जानवरों से यहाँ बचना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी मन मूर्तियाँ रखी हुई हैं शिव जी की, नंदी बाबा की, ये सभी खंडित हो गए हैं शायद, क्योंकि तो काफ़ी साल पुराना मंदिर है। चलो ऊपर की ओर। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये देख रहे हैं। ये पानी का झरना है जो कि ऊपर से नीचे से होते हुए इसके द्वारा आगे चला जाएगा। ये देखिए, यहाँ से सीधा बाहर की ओर पानी निकल जाता है, मंदिर को किसी प्रकार की क्षति ना हो
इस वजह से। ये भी एक छोटी सी गुफा टाइप की बनी हुई है, ऊपर मंदिर बना हुआ है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मंदिर, और कितनी नक्काशी इनकी देखिए, कितनी प्यार से और कितने तरीके से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हवन की जगह है, ये मंदिर है, शिव जी शिवलिंग बने हुए हैं इसमें। ये नंदी बाबा और शिवलिंग जी की जगह है। ये उत्तर दिशा इस साइड को है, उत्तर दिशा इस साइड को है, क्योंकि शिवलिंग में जो पानी गिरने की जगह होती है ना, वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करती है, और वो इस साइड को कर रही है हर जगह पे। तो उत्तर दिशा इस साइड को है, जहां शिवलिंग का ऊपर पानी डालते हैं तो उसके बाद में जो गिरने की जगह होती है ना, वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करती है। अच्छा, हाँ, ये भी एक जगह बना रखी है पानी के लिए, गुफा टाइप की बहुत बना रखी है। हाँ, ये पानी भाई पत्थरों से लटके आ रहा भाई, ये पानी है, ये पानी भरा एकदम साफ है। हाँ, ये पानी बिल्कुल साफ है भाई, ये पीने के लिए कंडीशन में है बिल्कुल। ये देखिए, ये 100% नेचुरल पानी है ये, और पत्थरों से फिल्टर होके आता है, जो कि 3 लाख का जो अपलो वो बनवाते हैं ना, आरो भाई, आराम से, पत्थर बहुत पुराने हैं, पत्थर और ऐसे ही रखे बिल्कुल। हाँ, देखो गैप है पत्थरों में, ये भाई बहुत पुराने लोगों की बनावट है। ये देखिए, चलो भाई ऊपर चलते हैं जल्दी जल्दी, मोबाइल बंद हो उससे पहले। ये पानी का फ्लो है ये वाला, और ये देखिए नजारा, जय हो बंदी छोड़, क्या नजारा है यार। उस परमपिता परमेश्वर ने कितनी अच्छी दुनिया बनाई थी यार, और आजकल हम लोगों ने उसको पूरा बर्बाद कर दिया है भाई। तो धर्म के नाम पर कचरा गंदगी कर देना बहुत आसान बात है। मैं उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया कचरा ना करें। हमारे देवी देवताओं का स्थान है, उसकी इज्जत करें। आप पूजा करने आते हैं, नेचुरल सी बात है, इज्जत करते ही हैं, लेकिन कचरा ना करें यार। और नीलकंठ देखिए, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। आ गया, हाँ उड़ गया कबूतर, उड़ गया, चलो ठीक है, कोई बात। पर और क्या, अरे मैं बोल तो रहा हूँ यार, मैं जब उसको देखा ना नेट पे तो बड़ा मैं अचंभा हो गया यार, हमारे घर के नजदीक इतना दूर अच्छी जगह बनी हुई है, और हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, अभी एक बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। एकोलॉजिकल का लिखा हुआ सर्वे का, ये प्राचीन स्मारक है साथियों, तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको संरक्षित कर रखा है। अभी यहां से देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको कि कुछ है यहाँ पे, सिर्फ ये छोटा सा जगह दिख रही है आपको, लेकिन यहां से आगे आपने जैसा पहले देखा इसके पीछे भी काफी मंदिर तो नेक्स्ट में नीचे हैं बने हुए, और काफी सुंदर और साफ जगह है। ये देखिए, यहाँ पे आप गाड़ियों से, कार से भी आ सकते हैं और बाइक से भी आ सकते हैं, लेकिन कार को काफी दूर रखना पड़ेगा आपको,
बाइक से आना आसान है, बाइक आप बिल्कुल मंदिर के साथ में तक लेकर आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। तो आप देखिएगा, आप देखेंगे कल हमारे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने पास आसपास हरियाली बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दो है, एक ये रही, एक ये पीछे है, और भी होंगी, ये अंदर घुसी होंगी, बहुत सी होंगी। अरे तुम इतना मत भागो यार, हम नहीं भागते इतना। नहीं, ये पोज दे के भगी है, एक और आई पीछे से खांगी। अच्छा, पीछे वाली थी वो, हाँ। तो पोज दे रही थी, हाँ। चलो भैया तुम भी पोज दे दो भैये। ये ये भैया, तुम तो पक्के डाकू लग रहे हो रे। मंगल सिंह, अच्छा बिना खाना का दिया हुआ मंगल सिंह। चोले में कौन था वो डाकू, क्या नाम था? गब्बर। गाइस, हम लोग उतर आए हैं और जैसा कि आपने खुद देखा था कि एक दो तीन नील गाय आई थी बीच में, आपको उनको भी दर्शन मात्र हुए थे हमें, तो आपको भी दर्शन करा दिए थे उनके। अभी हम अपनी गाड़ी के कहाँ है, आगे चलिए। पोज दे रही है, हाँ वो जा रही है, वो जा रही है। अब यहाँ से मोबाइल में नहीं आएगी, धीरे धीरे जा रही है, ऐसे कह रही है, अब तुम नहीं आ रहे पीछे। अब हमने गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं थोड़ी देर में ही, फिर चलते हैं घर की ओर। गाइस, यहाँ पे खाना नहीं बना रहे हैं, अब घर पर ही जाकर के बनाएंगे और खाएंगे। भैया टायर नहीं निकाला हो, बाकी सब ठीक है। मेरे को वहां यही डर लग रहा था कि कोई टायर ना निकाल ले जाए कार का। हैं, वैसे यार गाड़ियां देखो, फोर व्हीलर भी जा सकती हैं। हाँ, सिर्फ वही जगह पॉइंट, यही जगह पॉइंट है यहाँ से गाड़ी वैसे चढ़ जाती यार, इतना वो नहीं है। हाँ ये चीज है, क्योंकि अपनी सडान गाड़ी है और सडान, ये देखना, ये दखनी के कांटे हैं भाई, ठीक है। पहले तो गाड़ी का टायर देखा जाए कि लगे हैं भाई।